हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बाद में आप अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो जैसे मैंने सुबह यहाँ पे डाला था कि आपको करना क्या है कि आज की एक्सपायरी डे के लिए जो हमारा सेलिंग सेटअप होगा, हमारी जो बिग प्ले स्ट्रेटेजी जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी उसके हिसाब से जो हम लोग सेल कर सकते हैं, तो ये 3500 का सी सेल कर सकते हैं और 3400 का पी सेल कर सकते हैं। और उसका जो सुबह मैंने मार्केट ओपन होने से पहले जो प्रीमियम था वो कॉल का प्रीमियम था 31 और पुट का प्रीमियम था 25। तो उसको दोनों को अगर, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में गाइस हम लोग हमेशा प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं, राइट। और तो इसका टोटल 56 पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए थे और यही हमारा 56 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा। तो इतना तो हम लोग 3:30 बजे तक तो होल्ड नहीं कर सकते ये ऑप्शंस, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर 3 बजे तक भी होल्ड किया तो इस 56 पॉइंट में से मैक्सिमम अपन 45 to 50 रुपीज तक का प्रॉफिट आसानी से यहाँ पे हमें मिल सकता है अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहा। तो इस हमारे जो रेंज है, अगर आप रेंज देखोगे तो 3500 से लेके 34 200 तक का जो रेंज बनता है, 1300 पॉइंट्स का रेंज बनता है बैंक निफ्टी के लिए, करेक्ट। तो 1300 पॉइंट का जो रेंज हमें मिला है उस रेंज के बीच में अगर मार्केट आज क्लोज होता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी और वीकली ऑप्शन हमें सेल करना है, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि एक्सपायरी के दिन सभी ऑप्शंस जो भी ओटीएम ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे, वो सभी जीरो हो जाएंगे। तो इसी का फायदा उठाने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो 56 में से 45 to 50 रुपीज का प्रॉफिट हमें आसानी से मिल सकता है। इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ कि वो जोन कैसे ड्रॉ किए। मैंने आपको जो वीडियो डाला था कि बिग प्लेयर स्ट्रेटेजी का, उस वीडियो में बताया था कि दो टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग इसको पोजिशनल लेके नहीं जा रहे या इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने चूज किया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के लिए, और उसमें एक कंसेप्ट जो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट बताया था, डिस्कस किया था। वो था कि जहां से भी मार्केट यू टर्न कर रहा है उस एरिया को हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे जहां से मार्केट ने यू टर्न किया है। तो सिंपल फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दो तीन जगह ऐसी बता दूं मैं, तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से एक यू टर्न लिया है, तो ये एक हमारा सपोर्ट बन सकता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से डिसाइड होता है गाइस कि कहा जहां पे मार्केट, मतलब करंट मार्केट प्राइस जहां पे चल रहा है तो उसके नीचे जो होगा वो सपोर्ट होगा। करंट मार्केट प्राइस के नीचे सपोर्ट होगा और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। ऐसा सिंपल फंडा इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो मार्केट ने यहां से एक यू टर्न दिया था, आपको एग्जांपल दूं तो, और यहां से एक यू टर्न दिया था, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की केस में एक्सपायरी के लिए मैंने पिछले वाले यूटर्न जहां पे थे तो मैंने देखा था कि यहाँ पे एक यूटर्न है जो यहाँ पे एक टॉप बनाया था मार्केट ने, तो मैंने इस जोन को ड्रॉ किया और यहाँ पे एक था यूटर्न एक्चुअली, मगर ये कल का जो मार्केट पर जो क्लोजिंग था तो उसके बहुत ही पास था। तो इतना क्लोज में ऑप्शन सेल करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट ने अगर गैप डाउन किया तो ये वाला अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट ने यू टर्न किया है, ये यू टर्न और उसके बाद गैप अप हुआ है, तो ये वाला यू टर्न मैंने कंसिडर किया था और इसको ही जोन मैंने ड्रॉ किया। आप देख सकते हो यहाँ पे जोन मैंने ड्रॉ किया अराउंड इस कैंडल का पूरा कैंडल, क्योंकि कैंडल छोटा है इसके वजह से मैंने वो पूरा जोन लिया। और ये जोन कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, ये मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे स्ट्रैटेजी पूरा डिटेल में डाला है, तो आप वहां से जाके सीख सकते हो कि जोन कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि अभी क्या किया, क्योंकि ये जोन हमें मिल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये वाला हमारा सपोर्ट हो गया और ये वाला हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके पास में से जो भी है
वो स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये इस जोन को देखेंगे तो यहाँ पे 35,500 का कॉल हमें मिल रहा था रेजिस्टेंस की यहाँ पे, और यहाँ पे इस जोन पे हम लोग देखेंगे तो 3200 या 34300 और 34200 का कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 34200 का चूज किया था, यहाँ पे लिखा है 34300 पी, मगर मैंने यहाँ पे 34200 का जो है वो मैंने चेक किया था, और उसका प्रीमियम भी मैंने शायद यहाँ पे टेलीग्राम पे डाला है कि क्या चल रहा था उस टाइम पे। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका प्रीमियम जैसे बताया कि 31 रुपीज और 25 रुपीज यहाँ पे चल रहा था। इसको हम लोग अगर आगे जाके देखेंगे तो एक्चुअली हुआ क्या इसमें, आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो आज थर्सडे है तो टाइम डिके की वजह से इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम ओपन हुआ है। आप देख, मैं आपको जरूर में दिखाता हूँ, ये देखो 34200 का जो पीई है वो ओपन ही हुआ है 8 रुपीज पे, जो 34200 का पीई है वो ओपन हुआ है 8 रुपीज पे, और 35500 का जो कॉल है वो ओपन हुआ है 14 रुपीज पे। तो मतलब उतना तो हमें प्रीमियम नहीं मिला, फिर भी अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 रुपीज और 8 रुपीज ऑलमोस्ट हमें 22 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे आसानी से हो सकता है। 1300 की जो भी रेंज है, ये वाली रेंज, वो ये वाली जो रेंज है पूरी 1300 पॉइंट की है, तो इसको मार्केट इतने आसानी से ब्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो भी ब्रेक इवन बनता है, ये देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, जब भी मार्केट 34144 के नीचे चला जाएगा और 35550 के ऊपर जाने लगेगा तब हमारा लॉसेस होना चालू होंगे। तो इतना आसान नहीं है गाइस कि इस रेंज को ब्रीच कर पाना मार्केट में। तो ये तो जो पॉइंट हमारे बनते थे 22 पॉइंट जो हमारे यहाँ पे बन रहे थे इस दोनों के प्रीमियम को कैलकुलेट करके, तो वो एकदम इजी मनी था ऑप्शन सेलिंग करके कमाने के लिए, क्योंकि 1300 का रेंज जो है बहुत बड़ा होता है। तो इसके वजह से ये तो मैंने हुआ कि रेंज कैसे डिसाइड की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके रेंज डिसाइड की और उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज की, और मैंने क्या किया कि अपना एक जो सेटअप है वो बनाया। इसके लिए आप थोड़ा सा, अगर आपको और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो रेंज थोड़ी सी कम कर सकते हो, मगर बहुत अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बहुत दूर नहीं जाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे 35400 का भी ले सकते थे, थोड़ा सा प्रीमियम आपको इसमें ज्यादा मिल जाता। अगर ऑप्शन चेन में हम लोग जाए तो आप देख सकते हो 35400 का जो अभी चल रहा है वो 20 रुपीज था, मगर सुबह तो ज्यादा होगा। एक सेकंड देखते हैं अपन क्या था प्रीमियम 400 का सी, और इसका 100 पॉइंट अगर ऊपर ले तो कितना होता है 34400। अगर इसका प्रीमियम देखे तो सुबह ओपन हुआ था 34 रुपीज में ओपन हुआ था, जो 35400 वाला सी और 34400 वाला पी जो है वो ओपन हुआ था लगभग 35 रुपीज में, लगभग 35 रुपीज में ओपन हुआ था। तो इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 70 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा था तो एक स्ट्राइक नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट 75 रुपीज आपको मिल रहे थे यहाँ पे। तो 75 रुपीज बहुत होते हैं गाइस ऑप्शन सेलिंग में, इसी तरह से काम होता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो 70 रुपीज में से आप लोग आसानी से 60 या 50 रुपीज आसानी से कलेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। तो यही था एक्चुअली उसका लॉजिक था, यही कि किस तरह से किया जा सकता है। और जो ट्रेड बना था आप देख सकते हो, जो उसमें से अभी 800 रुपीज दिखा रहा है प्रॉफिट। और बैंक निफ्टी में अगर मार्केट जैसे आज आप देखोगे कि पहले दो कैंडल जो है बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे बनाए, पहले दो कैंडल मार्केट कहीं नहीं गया, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ,
उसी लेवल पे खुला और वहीं पे ही रुका रहा लगभग 30 मिनट तक। तो इस 30 मिनट में ऑलमोस्ट 30% या 40% का प्रीमियम डीके होता है गाइस, पहले आधे घंटे में एक घंटे में, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतना ड्रॉप होता है। पहले एक घंटे से ही जो भी है प्रीमियम्स डीके होना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे चांसेस बनते हैं कि हमारा पैसा इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे और दूसरा ट्रिक जो मैंने बताया कि जैसे जेरोदा में मैंने आपको वो ये वाला चीज बताया था, ये बास्केट ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम जो अगर आप नेकेड सेल करोगे ऑप्शंस में, डायरेक्टली सेल करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 140 लाख रुपीस यहाँ पे लगने वाले था प्रीमियम। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 60 रुपीज में आप देख सकते हो सकता है ये सब ट्रेड। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि फार ओटीएम जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है जिसका प्राइस चल रहा होगा 2 रुपए 3 रुपए, ये चीज आपको जेरोदा में अलाउड नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जेरोदा अलाउ नहीं करते आपको फार ओटीएम वाले ऑप्शंस बाय करने के लिए। तो इसके लिए आपको दूसरा ब्रोकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप बाय कर सकते हो फार ओटीएम वाला। तो इस केस में आप यहाँ से अगर थोड़ा सा और फार ओटीएम जाके, जैसे मैंने 2 रुपए वाला जो भी था वो मैंने बाय किया था बाइक, और आप देख सकते हो 36,500 या 36,400 तक का जो 2 रुपए वाला जो भी कॉल ऑप्शन चल रहा होगा वो हमने बाय किया पहले। और यहाँ पे भी नीचे जाके पुट ऑप्शन 33 वाला जो है 500 का या 300 का, वो अगर हम लोग बाय करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हम लोग पुट बाय करके रखेंगे अपना, और ये ऊपर वाला हम लोग कॉल बाय कर रखेंगे, बाय करके रखेंगे। तो ये सपोज इसमें हमने 2 रुपए दिया और इसमें हमने 2 रुपए का प्रीमियम अगर दिया तो भी ये 4 रुपए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमने सपोज 70 रुपीज कलेक्ट किया तो हमारा टोटल प्रीमियम हमें मिल जाएगा 66 रुपीज का प्रीमियम हमें यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये 2 रुपए माइनस हो जाएगा और ये 2 रुपए जो ऑप्शन में हमने बाय किया था। मगर इसके वजह से आप देख सकते हैं कि लगभग आपको 60,000 रुपीज में आपका जो भी है पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, हेज भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सेटअप था, 60,000 रुपये आपको अगर ऑलमोस्ट कितना 70-60 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे अगर मिलता है, आप रुकते और मार्केट उस रेंज के बीच में क्लोज होता है तो बाकी के दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बाय के हो या ऑप्शंस दोनों जीरो हो जाएंगे, और ओटीएम वाले जो सेल किए थे वो दोनों में प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो सिंपली यही लॉजिक था उस स्ट्रेटेजी का जो वहां पे मैंने बताया था। मगर यहाँ पे और एक चीज नोट करने वाली चीज है कि मगर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, तो उस रेंज को जैसे ही सपोज बैंक निफ्टी नीचे आना चालू हो जाए और एक साइड में हमें अगर जो भी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया था, इस केस में 70 रुपीज ले लो या जो टेलीग्राम में डाला है उस केस में 56 रुपीज, उतना अगर आपको लॉस दिखाना चालू हो जाए तो आप सिंपली ट्रेड क्लोज करो और ट्रेड से निकल जाओ। तो इस तरह से इस ट्रेड को हैंडल करना है आप उनको, ठीक है। तो आपको और कुछ, ये सिंपली स्ट्रेटेजी थी इसमें, तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि और क्या दिक्कत अगर आ रही है आपको। तो सिंपली यही चीज करना है आपको, नथिंग दूसरा और कुछ नहीं करना है, 60,000 तक में आपका हो जाएगा ये सब चीज। मगर उसके लिए आपको लगभग अकाउंट में इस सेटअप को बनाने के लिए आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का मार्जिन होना ही चाहिए, आपका कैपिटल उतना होना चाहिए, क्योंकि इतना होगा तभी जाके ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इतना बाद में एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद इतना आपका जो भी है कैपिटल में से इतना मार्जिन आपका ये
ब्लॉक हो जाएगा और बाकी का फ्री हो जाएगा, मगर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका मार्जिन जो है वो फ्री हो जाएगा, बाद में आप वहां पे उसका यूज दूसरे ट्रेड में कर सकते हो, मगर पहले तो आपको होना ही चाहिए इतना पैसा, बाद में इतने में आपका ये सब सेटअप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ दिक्कत जो बताया अभी तक, ऐसे कुछ चीजें जो आपको समझ में आई, आप बोल सकते हो, डायरेक्टली बात करके पूछ सकते हो कि अगर कुछ दिक्कत है तो वो भी देखेंगे आप। शायद बहुत सारे प्रॉब्लम है, मगर शायद ऑफिस में से ट्रेड करते हैं, बहुत जगह से ट्रेड करते हैं, तो शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहे लोग या बात नहीं कर पा रहे इसके वजह से। तो सिंपली यही करना है, ऑप्शन एक्सपायरी डे के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, आसानी से आप 30-40 पॉइंट आसानी से ज्यादा ओटीएम भी आपने सेल किया तो भी आपको 30-40 पॉइंट आसानी से मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, वैसे आप देख सकते हो। जी 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 बोलिए। जी बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? तो यही था सिंपली, अगर आप शायद तो समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो यही सेटअप था जो आपको अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लोगों ने बोला था कि समझ में नहीं आया है, इसके वजह से थोड़ा एक बार वापिस से एक्सप्लेन किया है, और लाइव भी आपको एग्जांपल मिल गया, क्योंकि जो भी मैंने लास्ट वो वाले वीडियो में जो बताया था तो वो तो पुराने डेटा पे था, ये तो अभी बैंक निफ्टी लाइव चल रहा है और उसमें एक परफेक्ट एग्जांपल, जो टेक्स्ट बुक एग्जांपल बोलते हैं, वो मिला है हमें, क्योंकि इतना बढ़िया रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है और मार्केट भी जैसे हमने सोचा था उसके हिसाब से अभी तक चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने आप देख सकते हो इतने से रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा 50% का प्रीमियम देके यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जो पीएम हमने सेल किया था उसका, तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो अभी आज के दिन अगर लगभग अभी बज गए 11 बजने का है, 11:15 बज गए, तो इसके रेंज के बीच में कहीं पे भी मार्केट क्लोज होता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम हमें दोनों साइड का मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बाय किया हुआ था उसका 2-2 रुपए का प्रीमियम हमारा वो भी जीरो हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज और 60 रुपीज के बीच में जो प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे बन रहा है आसानी से वो भी। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। तो इस पे अगर कुछ क्वेश्चन है पूछ लो, अगर कुछ पूछना है आपको, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो बता दूंगा, अदरवाइज फिर तो यही था सेटअप जो यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है, या फिर हम लोग अभी का ये सेशन अभी क्लोज करते हैं, फिर अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो। ओके गाइस, ठीक है, फिर शायद क्वेश्चंस नहीं है कुछ, तो क्लोज कर रहा हूं मैं, तो देखेंगे और कभी ऐसे ही सेटअप आए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा यहाँ पे जो यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैं वापिस से एक बार शेयर करता रहूंगा, तो देखते हैं बाद में। तो चलो वाइंड अप कर रहा हूँ, बाय बाय। तो लगभग अभी 3 बज रहे हैं और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लिया है और यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ड्रॉप हुआ है निफ्टी अपने डे हाई से।
फिर भी हमने जो सुबह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज की, आज के एक्सपायरी डे के लिए ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज की, उसकी मदद से हम अभी भी फुल प्रॉफिटेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग हमारा जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और यहाँ पे आप ज़ीरोधा की यहाँ पे भी अगर देख पोगे तो ये 34,200 का जो पी था वो भी 15 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, और जो 35,500 का जो कॉल था वो भी अभी 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 20 पैसे पे है और पूरा ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सिंपली हमारा जो भी ट्रेड्स जो चालू है उसे एग्जिट हो सकते हैं और हमारा फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोज आपने अगर दूसरे स्ट्राइक प्राइस भी ली होगी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि 35,400 का कॉल जो हमने 35 रुपीज में देखा था वो भी ऑलमोस्ट अभी ज़ीरो होने को आया, और 34,400 का पी जो हमने देखा था उसका भी उस टाइम पे प्राइस था 35 रुपीज, तो वो भी ऑलमोस्ट अभी 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी जीरो हो चुके हैं। लगभग अभी 10 या 20 मिनट बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में। तो ये ऐसा होता है कि सभी OTM जो भी है वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाते हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के साथ मिल सकता है जो आज हमने यहाँ पे देखा है। और इसी तरीके से आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी एक अच्छा प्रॉफिट आसानी से अर्न कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी की मदद से मिला है जो भी हमने कैपिटल डिप्लॉय किया है इसके लिए। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए और नए नए कंसेप्ट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।